नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर पूरे साल इस आजादी को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। मैं इस बहुत ही सुंदर आयोजन के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, सभी क्रांतिवीरों जिनके बलिदान से, जिनकी कुर्बानियों से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनको नमन करता हूं। मैं आज इस शुभ अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, कैसे दुगनी हो, इस ओर हमारा संस्थान अग्रसर है। हमारा यह संस्थान केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान हमारे देश के बहुत ही प्रभावी कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और हमारे अपने ही राजस्थान के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, किसान कृषि मंत्री श्री कैलाश जी चौधरी का, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर हिमांशु पाठक जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में, उनके सुपरविजन में आज हमारा यह संस्थान किसानों की आय दुगनी करने की ओर अग्रसर है। मैं इस अवसर पर सभी संस्थान के वैज्ञानिकों का भी आभार प्रकट करता हूं कि वो दिन रात भारतीय किसानों की, भारतीय भेड़ पालकों की उनकी आमदनी दोगुनी करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे संस्थान ने एक ऐसी नई भेड़ को विकसित किया है जिसका नाम अविशान है, जो एक नहीं, दो नहीं, तीन और चार बच्चे एक साथ पैदा करती है। इस प्रकार यह भेड़ किसानों की आय दुगनी, तिगनी और चौगुनी करने में सहायक है। मैं इस अवसर पर संस्थान के सभी वैज्ञानिकों का, सभी अधिकारी कर्मचारियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो अपनी मेहनत से भारतीय भेड़ पालकों की आमदनी को बढ़ाने का दिन रात प्रयास कर रहे हैं। मैं इस शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को, भारतीय किसानों को, भारत के सभी भेड़ पालकों को और हमारे संस्थान से जुड़े हुए सभी देशवासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।